So, दोस्तों ऊटी जाने के लिए सबसे पहले जो है बैंगलोर से मैं निकल रहा हूँ ट्रेन के माध्यम से, और यहाँ से जो ट्रेन है जाएगा डायरेक्ट मैसूरू, और मैसूरू से जो है मैं बता दूँ वहाँ से जाने वाला हूँ बस से ऊटी के लिए। यहाँ पे कुछ बच्चे मुझे ट्रेन के अंदर मिल जाते हैं जो बहुत ही शरारती हो रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि मेरा जो सफ़र है इन बच्चों के साथ खेलते खेलते बीत जाएगा मैसूरू तक और मुझे पता भी नहीं चलने वाला है, और सच में मुझे पता नहीं चल रहा है। दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है इन बच्चों के साथ, बहुत ही शरारती हैं, शक्ल से बहुत भोला है, लेकिन इनके भोलेपन पे मत जाइए, जो बच्चा है बहुत ओवर एक्टिव वाला है, ठीक है। बच्ची भी है उसको भी मार रहा था लेकिन मैंने छुड़ा दिया, ठीक है। आगे चलिए, अब हमें जो है दोस्तों हम आ चुके हैं मैसूरू में, और मैसूरू में जो है हमको दोस्त यहाँ पे जाने के लिए सीट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ से हमको कैसे भी करके एक बस स्टॉप है जहाँ पे हमको एग्जैक्ट जाना होगा मैसूरू के लिए, तो मैसूरू के लिए हमको जो सीट है बस पर फिलहाल थोड़ा बहुत जैसे तैसे एडजस्ट करके मिल गया है, और मैं बैठ चुका हूँ इस बस में, और यहाँ से जो है मैं जाने वाला हूँ दोस्तों मैसूरू, ठीक है। अब फिलहाल जो है दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैं आ चुका हूँ मैसूरू में, और यहाँ से जो है हम जल्दी से बैठेंगे ऊटी के लिए, और ये जो टाइमिंग है मैं बता दूँ अभी जो है लगभग सुबह शाम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, शाम हो रहा, अंधेरा होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो पूरी रात जो है हमको यहाँ पे मैसूरू के अंदर गुजारना पड़ेगा, और सुबह जो है स्टेशन पे से जो है हमको ऊटी का बस लेना पड़ेगा, तो अभी हमको जो बस लेना है दोस्तों, और रात हो चुकी है लगभग, रात का मैं बता दूँ 3 बज रहा है, यानी ऑलमोस्ट सुबह हो चुका है, तो हमको ऊटी का नज़ारा जो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि सुबह सुबह का व्यू हमको देखने को मिलेगा। बहुत लकी होते हैं वो लोग जो यहाँ हिल स्टेशन पर ऐसी ऐसी हरियाली में सुबह का नज़ारा देखने जाते हैं, और मैं बहुत टाइमिंग अपना सेट करके रखता हूँ ताकि मैं सुबह ही जाऊं, ठीक है। फिलहाल मैं बस के अंदर बैठ चुका हूं ऊटी जाने के लिए, और आप देख पा रहे हैं नज़ारा जो है बस में कैसे है, कुछ खास लोग नहीं है, मैं सो चुका हूं क्योंकि अभी मुझे जो है नींद आ रही है, इसलिए क्योंकि मैं इतने अच्छे से सो नहीं पाया था, बच्चे शरारती थे उन्होंने मुझे सोने नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो है अब मेरी नींद खुलती है, जब नींद खुलती है तो लगभग 6 बज रहे होते हैं, और ऊटी का झलक थोड़ा सा मुझे देखने को मिलने लगता है, जहाँ से मैं खुद भी देखता हूँ और भाई साहब अपनी नज़रों से आपको भी दिखा पा रहा हूँ। ये ऊटी बहरहाल अभी नहीं है, आपको लग रहा होगा कि ये ऊटी है, मैं बता दूं ये भाई साहब ऊटी बिल्कुल नहीं है, ये ऊटी हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर आप गाड़ी से जाते हैं, आपके पास फोर व्हीलर है या कोई भी आपके पास बाइक है, उसके माध्यम से आप ऊटी में जा रहे हैं, तो वहाँ जाने के लिए जो है आपको ये सारे नज़ारे जब देखते हैं तो आप यहाँ पर रुक के उसका भी आनंद ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ओवरऑल ये भी जगह अच्छी है। लेकिन अभी जो मेन जगह जहाँ पे हमको ऊटी में जहाँ पे व्यू पॉइंट होगा, जहाँ से सारी चीज़ें हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें जो ऊटी आपने देखा है सुना है, वहाँ पे अभी जो है हमको जाने के लिए 50 किलोमीटर चढ़ के जाना है दोस्तों। तो ये जो चढ़ जा रहा है जो बस है वो राउंड राउंड करके जो है इसका रोड जो है आप देखिए वो कुछ इस प्रकार से जो है रोड राउंड राउंड कर करके है जो जाएगा वहाँ तक। हमको बहुत सच में बताऊँ तो तबीयत ख़राब हो चुका है मेरी, सच में चक्कर वक्कर वोमिटिंग वगैरह बहुत हुआ है, क्योंकि जब भी मैं ऐसी जगह पर जाता हूँ जहाँ पे ये टर्निंग जो होता है जो रोड वगैरह का अगर राउंड शेप में होता है तो थोड़ी बहुत चक्कर आना तो मतलब नाजिम है ना, मतलब और भी मैं ही अकेला लोग नहीं था जिसको ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी, और भी बहुत लोग थे उसमें, 1-2-3 औरतें थी जिसको मैंने देखा कि मतलब उनको भी ऐसे ऐसे चक्कर वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आप रोड देखिए, रोड ही मतलब कुछ ऐसा इस तरीके का चढ़ावा है, पूरा राउंड राउंड करके बनाया हुआ उन्होंने, ठीक है। तो जब ऐसी रोड से जब आप जाएंगे और आपको थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होगी, और ख़ासकर जब आप इतने बस में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो स्टार्टिंग से ही बहुत लोग होते हैं हमारे यहाँ इंडिया में, मतलब कि इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत लोग हैं जिनको ये रोड की या बस में ऐसे जब सफ़र करते हैं तो उनको थोड़ी बसेस वगैरह, खासकर ट्रेन भी लोगों को लग जाती है, तो मुझे भी अभी से बात लग ही जाना है, बचपन से मेरी भी ऐसी ही रही है, ठीक है। तो यहाँ जैसे तैसे मैं मैनेज कर लेता हूँ और आगे जाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आपको देखने को मिल जा रही हैं दोस्तों। ये जो गाड़ियाँ आ रही है वो मैं बता दूँ ऊटी के ही तरफ से आ रही है, ऊटी की तरफ से ट्रक भी आपको देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है शायद ऊटी में घरें वगैरह भी होंगी जहाँ पे कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी चल रहे होंगे, कुछ सामान वगैरह यहाँ पे भी लाद के आ रहे होंगे जा रहे होंगे, ठीक है। इसके वजह से ट्रक भी यहाँ पे उन्होंने दिखा रहे हैं, मतलब आ रहे हैं वहाँ से ऊटी के अंदर से। यहाँ पे आपको जानवर देखिए, मोर जो देखो पंख फैलाए खड़ा है, उसके बाद और भी जानवर आपको देखने को मिले। यहाँ पे कुछ अंकल बस के अंदर रखे हुए हैं, पता नहीं क्या है इस केले के छिलके के अंदर जो सूखा हुआ है अंदर, पता नहीं क्या था, मैंने नहीं पूछा। फिलहाल यहाँ पे देखिए आप जब जा रहे हैं तो आपको जो है जो भी जानवर हैं हिरन खासकर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, मतलब रोड पे घूमते हुए ही हिरन आपको देखने को यहाँ पे मिल जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आगे हम और जाएंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो इस रोड पे आने वाली है।
यहाँ जो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आर्मी वाले जो पुलिस वाले बहुत ज़्यादा खड़े हैं, और इसलिए शायद कुछ रिस्ट्रिक्शंस एरिया हैं यहाँ पे इसके वजह से, और यहाँ पे मोबाइल बहुत अलाउड नहीं था, इसलिए मैं कवर अप नहीं कर पाया। आगे मैं जा रहा हूँ, आगे जो भी चीज़ें आएंगी दिखा पाऊँगा मैं आपको। अब मैं बताऊँ तो अब थोड़ी बहुत जगह है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यार ऑलमोस्ट यानी 50% जो है हम ऊटी के अंदर घुस चुके हैं, हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट 50% जो ऊटी है वो हम कवर अप करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको नज़ारा दिखे कितना मज़ा आ रहा होगा अभी देखने के बाद। बादल देखिए, बादल अभी हम इतना ऊपर आ चुके हैं कि हमारे नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप देखेंगे ना, गाड़ी से जब आप जाएंगे, हम बस में हैं तो हर जगह बस को रोक करके जा करके शॉर्ट्स आपको दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम बाइक से अगर आप होते हैं, या अगर हम मान लीजिए कार से होते हैं, तो वहाँ से उतर करके जा करके हर एक जगह जहाँ भी हमको अच्छा लगता है तुरंत रुक करके जाकर देंगे। यही फ़ायदा होता है अगर अपना कुछ पर्सनल व्हीकल वगैरह होता है तो, ठीक है। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं, हम आपको थोड़े वॉक करके भी आगे जाने के बाद जहाँ पे ड्रॉपिंग होगा अब बस का, वहाँ से जा करके देखेंगे। आगे चलिए आगे। फिलहाल ये जड़ें वगैरह देखिए, पेड़ का कुछ इस प्रकार से निकला हुआ है, रोड तक फैला हुआ है जड़ों की बात करें तो। आगे हम चलिए और देखेंगे पेड़। ये पेड़ आप जो देख रहे हैं फिल्मों में आपने देखा होगा कि तेरे महबूब कयामत होगी, ये सारी गानों में ना, मतलब बॉलीवुड्स के गाने में ऐसे ऐसे सीन्स आपको देखने को मिल रहे थे, ये पेड़ वगैरह। हम विश करते यार कभी हमको भी ऐसा मौका मिलता, हम जा करके ये बॉलीवुड वाले सीन एक्चुअल में रियल लाइफ में देख पाते, और वाकई आपको भाई साहब ऐसे ऐसे रियल लाइफ में आके मिल रही है। भाई साहब मैंने अपने आंखों से देखा ना, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, ऐसी ऐसी जगह कभी सपना हुआ करता था ये सब चीज़ें देख के जब फिल्में देखते थे तो, कि वाई विश यार भाई साहब यहाँ पे कभी जाते, और अभी आ चुके हैं ना यार, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, मतलब अच्छी खासी जगह है, आपको आना चाहिए, आई थिंक यहाँ का वाइब लेना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा ऊटी के बारे में यार, ऐसा कुछ थोड़ी ना ऊटी में आप आए हो कभी गए हो। जहाँ पे झील देखिए, झील भी छोटे मोटे आपको नज़र आ रहे हैं। चलिए थोड़ा और पास हम कवर अप करने का कोशिश करेंगे, वह आपको दिखाएंगे, मज़ा आएगा मुझे लगता है आपको झील देख करके। और झील जो है मुझे मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, ठीक है। और यही झील जो है दोस्त, मैं बता दूँ कि ये जो झील है यही छोटे मोटे इधर उधर से पानी जो पासिस होती है जा करके जो है लेक या बोलते हैं झरना वगैरह जो है वाटरफॉल जो है झरना वो बन जाते हैं, जो आपको हर जगह जगह छोटे मोटे जो भी झरने हैं वाटरफॉल है यहाँ पे आपको ऊटी के अंदर देखने में मिल जाएंगे। ओवरऑल मैंने इस वीडियो में कवर वाटरफॉल नहीं किया क्योंकि इतने ज़्यादा हैं छोटे मोटे कि आप कितना कवर करेंगे, ठीक है। आपको मेन वाटरफॉल हम ज़रूर दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है जब गोवा जाएंगे। तो फिलहाल जो आप ये देखिए ऊटी का नज़ारा, गाड़ियाँ जो है देखिए कितनी ज़्यादा है यहाँ पे भरी हुई, तो इसका मतलब ये है कि एक दिन पहले यानी कि पहले जो दिन था उसके पहले बहुत लोग आए। मेरी हालत देखिए यार भाई, क्या हालत हो चुकी है, मतलब इतना दूर आने के बाद वोमिट वगैरह करने के बाद इतना चक्कर आ रहा है, लेकिन फिर भी यार कोई बात नहीं, वीडियो तो बनाना ही था आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर इतनी परेशानी खुद झेल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। अब नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है यार, मुझे विश की मैं बस के बाहर थोड़ा सा निकल के आता, यहाँ पे 10 मिनट रुकता और थोड़ा सा इस वाइब का मज़ा लेता, लेकिन पॉसिबल ही नहीं था। जब आप बस में बैठ जाते यार सबके साथ जाना ही पड़ेगा, मजबूरी यार। अब जो है हम आ चुके हैं दोस्तों एकदम पॉइंट पे, और ये है बस स्टैंड जहां हम उतरने वाले हैं। चलिए हम बस से जो है बाहर उतरेंगे, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा फ्रेशअप होंगे, और फ्रेशअप होने के बाद जो है दोस्तों हम आपको कुछ नज़ारा चल करके जाएंगे और हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी जो हम बाहर आ चुके हैं, हम जाएंगे पहले भाई बहुत ज़ोर से आई अपने को सुसू, और हम जाएंगे यहाँ पे एक सुसू करने के लिए, ढूंढेंगे कहाँ पे जाना है। ये जगह मेरे को अभी दिखाई नहीं दे रहा है कहीं से भी, फ़िलहाल मैं बस के अंदर ही हूँ तो हमको बस के अंदर से दिखाई नहीं देने वाला, हमको बस से नीचे उतरना पड़ेगा क्योंकि हम भाई बस में तो कोई सुविधा होती नहीं है, ठीक है। चलो हम बाहर निकल के जा रहे हैं, बाहर निकल के देखेंगे अगर कोई जगह हुई तो हम जाएंगे जल्दी से जल्दी, नहीं तो इधर उधर तो हम लोग इंडियन है भाई, मार ही देते हैं रोड के आसपास भी। फिलहाल चलिए हमको लगता है मिल ही जाएगा, हर जगह बस स्टैंड पर होता ही होता है आज तक जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो कुछ बड़ी बात नहीं है, सुसु करने के लिए भी मिल ही जाएगा जगह। चलो फाइनली जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे को दिख जा रही है, एक जगह दिखी है भाई, वहाँ पे जब मैं जा करके करना ही पड़ेगा, मेरे को बहुत ज़ोर से लगी मेरी शक्ल, देखिए पहले से ही पता चल रहा है कि भाई लगी है भाई को बहुत ज़ोर से, ठीक है। चल भाई दिख गया, अब जो है मैं जाने वाला, भाई बहुत हो गया शक्ल दिखा लिया, अब चलो वहाँ पे सुसू करना बहुत ज़रूरी है। अब सुसू करने के बाद जो है दोस्तों मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एक होटल के पास जहाँ पे एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, यहाँ पे कुछ पकौड़े वगैरह जो है मैं खाता हूँ प्याज के, ठीक है, जो 20 रुपये में थे, बहुत अच्छे हैं भाई, टेस्टी थे, लेकिन बहुत ठंडे थे, गर्म करके इन्होंने नहीं दिया, ये बहुत गंदी बात है, लेकिन अच्छा है, टेस्टी था। फिर इतना काफ़ी नहीं है भाई, केला भी खाना पड़ा, 3 केले खाऊँगा। उसके बाद जो है मैं चलता हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद, थोड़ा आपको नज़ारा दिखाने, सुबह सुबह का ये 6-7 बजे का नज़ारा आप देख पा रहे हैं, ये जो है आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, देखिए कितनी अच्छी है। एक झील मैंने जो जूम किया अभी आप वो देख पा रहे होंगे, लेकिन चलिए पास में जाएंगे, यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
उसके पहले हम चलिए आपको ये रास्ते से मैं गांव के तरफ निकल रहा हूँ दोस्तों। अब गांव में जब जाएंगे कुछ इस प्रकार से आपको गांव और घरें जो बहुत अनहाइजेनिक गांव, मतलब यहां पे कुछ घरें हैं जो दिखती होंगी जो कबाड़ खाना जैसे आपको दिख रही होगी, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ी देर और आगे जाएंगे भाई साहब, यहां पे जो है आपको रेल की पटरियां वगैरह या घर देखिए, एक घर जो है उसके ऊपर से जो है पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब छोटे मोटे पेड़ निकल जाते हैं ना घर के ऊपर से, तो ऐसा वाला कुछ है। यहाँ पे देखिए घोड़े हैं भाई, आप यहाँ पे सफ़र भी कर सकते हो, घोड़े का मज़ा लीजिए, कड़बड़ कड़बड़ कर करके घोड़े पर बैठ कर एकदम निकल लिए, बच्चा था एक छोटा सा उसको घुमा रहे थे, आप भी चाहें तो वाइब ले सकते हैं। ये आपको जो झील है वो दूसरे साइड से हम दिखा रहे हैं, चलिए यहाँ पे देखिए झील के पास आ चुके हैं, कितनी गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ, आप साइकिल ले सकते हैं 200-250 में, ठीक है, इलेक्ट्रिक है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक आपको बाइक भी मिल जाएगा, ठीक है, 500-600 में, जो कि इसका आनंद आप ले सकते हैं जब तक ये डिस्चार्ज ना होता है, लेकिन रिटर्न आपको ला के देना है भाई यहाँ पे फिर से, ठीक है, इसको चलाने के बाद बहुत सेफली। उसके बाद चलिए हम थोड़ा और आगे जाएंगे, टिकट देखते हैं बोट वाला, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं बोट वाला कैसा है, हाउस बोटिंग है, तो भाई यहाँ पे इन्होंने 8 सीट वाला, 10 सीट वाला, 15 सीट वाला लगा रखा है, जो जितना सीट पे आपको अगर 8 सीट पे बैठना है तो उसका 700, 10 सीट पे बैठना है तो उसका आपको देना पड़ेगा भाई साहब 1200, और अगर 15 सीट वाले पे बैठना है आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे। भाई इतने पैसे हैं नहीं, इतने में हम अपन दो जगह घूम लेंगे, ठीक है, फिलहाल जो है हम आउट ऑफ बजट हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा नर्सरी है हम आपको दिखा रहे हैं, जो फूल पत्ते पेड़ और उसके बीज जो है यानी सीड्स, ये सारे यहाँ पे बहुत ही ईजिली आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे लोग जो है बेच रहे हैं। फ़ोन इज़ नॉट अलाउड हियर, भाई हम भी फिर भी आपको फ़ोन से इस कैमरा इधर उधर छुपा के कर ही लेता हूँ, क्योंकि इतना दूर आए और आपको हर चीज़ ना दिखाएं जो मैं देखूं, तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगा आप लोगों के साथ। तो फिलहाल जो है मैं नर्सरी से बाहर आ चुका हूं दोस्तों, और ये जो नज़ारा है आपको दिखा रहा हूं वो बोट के आसपास का है। यहां पे आप बोट देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं आपको दिखाने के लिए, यहां पे देखिए कितना अच्छा जो है बोट वगैरह चल रहा है यहां पे, 10 सीटर होगा मेरे ख्याल से, तो यहां पे जो लोग हैं यहां पे बैठे हुए, 7 सीटर है भाई, 7 सीटर है, तो लोग बैठ के आनंद ले रहे हैं, आधे घंटे के लिए मौज मस्ती होती यहां पे, ठीक है, थोड़ा सा हम टर्न होते और आ जाते हैं चलो भाई कुछ खाने के लिए, लेकिन खाने के लिए हम बात करें तो भाई क्या ही खाओगे यहां पे, ठीक है। फिलहाल जो है हम आपको वो बोट का साइड का नज़ारा पूरा घुमा के दिखा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, इस साइड में थोड़ा सा आपको मार्केट प्लेस है जहाँ पे हम चलिए खाने के लिए जो पूछेंगे भुट्टा, लेकिन ये भुट्टा नहीं है भाई, हमको भुट्टा लग रहा है लेकिन पास मैंने के बाद पता चल रहा है कि ये तो यार वो बॉयल करके आंटी जिन अंदर से जो है पानी के अंदर से निकाली है, तो भाई कहीं लूज मोशन ना हो जाए इस डर से हम नहीं खाएंगे ये वाला। बाकी जो ओवरऑल वाटरमेलन वगैरह और सारे फ्रूट्स हैं यहाँ पे, वो नाव जो है आप देख पा रहे हैं जो अभी जा रही थी वो आ चुकी है रिटर्न, ठीक है, इतना देर घूमने के बाद, और नाव मिल जो है मेरे को लग रहा है कि ये 10 लोग हैं, सो 10 सीटर है, ये छोटे मोटे बच्चे हैं जो काउंटेड नहीं होते हैं, यहाँ पे आप खरीद सकते हैं लैंड विला टी स्टेट, लैंड विला टी स्टेट भाई यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे स्कूल भी कॉलेज वगैरह देखे भाई, कितने लकी लोग हैं जो वहाँ पे जंगल में पढ़ते हैं। फिर थोड़ा हम आगे आ जाते हैं भाई, और यहाँ से हम निकल जाएंगे ट्रेन वाली पटरी के, सोल शरारती यार, काम अकेले करने में मज़ा आ जाता अपने को, ट्रेन में देख रहे हो मतलब बीच जंगल में ट्रेन की पटरी है, वहाँ से अपन भाग रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब करने को देखने को मिल पा रही हैं मुझे, तो मज़ा आ रहा है ना, मतलब ये सब चीज़ें जो है इतना सब करने को एक्टिविटी में। यहाँ पे खजूर खाजा मुझे तो खाजा पता है, आपको पता नहीं कि आपको ये लोग आप लोग क्या बोलते हैं, जो भी ये 50 रुपये में दे रहे हैं सिर्फ अंदर का, वो जो वाइट जो निकाल करके देते हैं ये लोग, तो ये मेरे को अफोर्डेबल नहीं लगता है, तो ये वाला मैं नहीं खाने वाला हूँ। फिर जो है आपको थोड़ा सा चलिए और गांव के तरफ हम जाएंगे दोस्तों, और वहां से जो है हम आपको नज़ारा दिखाएंगे कि और थोड़ा सा गांव जो है एक्सप्लोर करने के बाद कैसा दिखता है, क्या है गांव के अंदर। ये छोटा सा एक स्कूल है, नर्सरी स्कूल है, ठीक है, और स्कूल का नाम कुछ यूनिवर्सल करके है, तो आप यहाँ पर आएँगे कभी तो देखने को मिल जाएगा, बच्चे हैं खेलते हैं जंगलों वगैरह झाड़ियों में, तो यहाँ पे अच्छी है। यहाँ पे घरें हैं जो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को घरें जो हैं मिल जाती है, बहुत अच्छी घरें हैं, ठीक है, अच्छे मतलब घर क्या यार, आपको जंगल में घर है और क्या चाहिए आपको। यहाँ पे बीच मार्केट प्लेस में मैं आपको जूम करके दिखा, कुछ मदारी वगैरह लोग दिखा रहे, खेल वगैरह दिखा रहे थे उनको भी, ये सब चीज़ें भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। ट्रैफिक की बात करें तो फिर भी यार ओवरऑल मार्केट प्लेस जितना, यहाँ पर आपको काऊ मांस दिए यार, गाय की जो बोलते हैं ना मांस, यहाँ पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है, ओपनली मार्केट में यहाँ पे बेचा जा रहा है ऊटी में, तो मुझे नहीं लगता ये सही बात है कि गाय की मांस आप ओपनली बेचें। यहाँ पे गांव और आप देखेंगे जूम करके देखिए तो यहाँ पे गांव कुछ इस प्रकार से। फिर जो है मुझे भूख लग जाता है, मैं आके उल्टे केले के पत्ते पे खाना खाता हूँ, जो कि सही रूल नहीं है, उल्टे पत्ते को सीधा करना होता है। फिर जो है फाइनली जो है दोस्तों मैं घूमने के बाद ऊटी, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो थी ऊटी का मैंने एक्सप्लोर कर लिया, खाना हो गया, गाँव हो गया, लोग हो गए, क्या बेच रहे हैं, कैसा है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद हम जा रहे हैं दोस्तों फिर से जो है मैसूरू की तरफ। मैसूरू से जो है हम जाने वाले हैं नेक्स्ट पौंडीचेरी की तरफ,
ठीक है, तो फिलहाल जो है मुझे अभी जो है जगह नहीं मिली है। हर बार इंसान लकी नहीं हुआ, मेरी हालत बहुत पतली हो चुकी है। यहाँ 50 से 60 किलोमीटर जो है मुझे, अभी 60 किलोमीटर नहीं बोलेंगे भाई, 80 से 90 किलोमीटर, क्योंकि 60 किलोमीटर तो आपको सिर्फ नीचे उतरने में ही लग जाएगा, ठीक है। 80 किलोमीटर जो है मुझे यहाँ से बैठ के जो है बस में निकलना पड़ेगा, और रात के लगभग 8 बज चुके हैं जो मैं निकल रहा हूँ। तो यहाँ जो है कंडक्टर भाई साहब के साथ फाइनली मेरे को सीट मिल जाती है, और बहुत दानी होते हैं, दे देते हैं। सो दोस्तों, ये रहा मेरा सफ़र। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी ऊटी वाली। उम्मीद करता हूँ पौंडीचेरी वाला भी वीडियो बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच पौंडीचेरी वीडियो। एंड विश हैव ए गुड लक।